एक बार की बात है, भरतपुर नाम के गांव में लोग बड़ी ही हंसी खुशी रह रहे थे। होली का त्योहार नजदीक ही था, तो बस सब उसी की तैयारियों में व्यस्त थे। उसी गांव में एक परिवार रहता था जिसमें किशन, उसकी पत्नी लता और उनकी बेटी आरती भी रहते थे। किशन की एक छोटी सी किराने की दुकान थी, पर क्योंकि होली आने वाली थी तो उसने अपनी दुकान के आगे गुलाल, रंग, पिचकारी और सारा होली का सामान रखा हुआ था। किशन की उन दिनों काफी अच्छी दुकानदारी हो रही थी। उन दिनों वो थोड़ा लेट ही घर आता था, पर एक दिन तो उसे आते आते रात के करीब 12 बज गए थे। आज तो बहुत ही लेट हो गया, अब बच्चे तो मुझसे बहुत ही गुस्सा हो जाएंगे। उन्होंने बोला था कि आज जल्दी आ जाना, अब मैं क्या करूं? एक काम करता हूं, बच्चों के लिए गुलाल और गुब्बारे ले चलता हूं, बच्चे खुश हो जाएंगे। बस फिर किशन बच्चों के लिए गुलाल और गुब्बारे रख लेता है। उसके बाद वो खेतों की तरफ से घर आने लगता है ताकि वो जल्दी घर पहुंच सके। रास्ते में उसे एक चौराहा मिलता है। उस चौराहे पर एक मटका, गुलाल, एक काली गुड़िया और बड़ी अजीब अजीब सी चीजें रखी होती हैं। किशन उस पर ध्यान नहीं देता और उसके ऊपर से निकल जाता है। किशन का पैर सीधा उस गुड़िया के ऊपर पड़ता है। किशन तो आगे निकल जाता है, पर उस गुड़िया से एक अजीब सा धुआं निकलता है। धुआं उठने के बाद उसमें से एक चुड़ैल निकल कर आती है। मैं आजाद हो गई, मैं आजाद हो गई। चुड़ैल उस गुड़िया से आजाद होकर बड़ी खुश हो रही होती है। फिर उसे अपने सामने किशन जाता हुआ दिखता है, जिसके हाथ में गुलाल की थैली होती है। गुलाल, रंग, अरे वाह, मजा आ गया, इस बार मैं भी होली खेलूंगी। चुड़ैल रंग गुलाल देखकर बड़ी ही खुश हो जाती है। वो चुपके से किशन की थैली से सारा गुलाल निकाल लेती है। फिर वो उसको खोलकर हवा में पागलों की तरह उड़ाने लगती है। उसके बाद वो बचा हुआ गुलाल अपने मुंह पर मल लेती है। होली होली, मैं मनाऊंगी अब होली। उस रात चुड़ैल अपने मुंह पर रंग गुलाल लगाकर किशन के पीछे पीछे लग जाती है। जब किशन घर पहुंचता है तो वो भी उसके घर तक आ जाती है। अब घर पहुंचकर किशन थैली में से बच्चों को गुलाल निकालकर देने लगता है, तो उसे थैली में कुछ मिलता ही नहीं है। अरे, मैंने तो खुद अपने हाथों से इस थैली में गुलाल रखा था, कहाँ चला गया? अरे, क्या पता कहीं रास्ते में गिर गया हो। किशन और उसका परिवार सो जाता है और रात को चुड़ैल उसके ही घर में घुसी होती है। वहाँ उसको रसोई में बहुत सारी गुजिया रखी हुई मिलती है। अरे वाह, गुजिया, वो भी इतनी सारी, मेरे तो मजे ही आ गए, अब तो मैं ये सारी गुजिया खाऊंगी। चुड़ैल फिर एक गुजिया उठाकर खाने लगती है। उसे वो गुजिया इतनी स्वादिष्ट लगती है कि वो गपा गप सारी की सारी गुजिया खा जाती है। बहुत ही स्वादिष्ट थी ये तो, मेरा तो पेट भर गया, अब तो मैं किसी पेड़ पर जाकर आराम से सोऊंगी। सुबह जब लता रसोई में आती है तो उसे वहाँ एक भी गुजिया नहीं मिलती। वो तो बड़ी हैरान होती है। अरे, अभी रात को ही तो यहाँ ढेर सारी गुजिया रखी थी, यहाँ तो एक भी गुजिया दिखाई नहीं दे रही, आखिर सारी की सारी गुजिया गई कहाँ? लता गुस्से में बच्चों को आवाज देती है। बच्चों, इधर आओ, सच सच बताओ ये गुजिया किसने खाई? मैंने तो एक गुजिया भी नहीं खाई मम्मी, सच्ची। सबको बड़ी हैरानी होती है, पर वो कर भी क्या सकते थे। लता अब छत पर जाकर कचरी और पापड़ बनाने लगती है। चुड़ैल भी वही छत पर बैठी लता को देख रही होती है। अरे वाह, आज तो मुझे कचरी और पापड़ खाने को मिलेंगे, मजा आएगा। लता पूरे दिन कचरी और पापड़ बनाती है और उसे शाम तक धूप में सुखाने के बाद उनको तल कर डब्बों में भर देती है। बच्चे जब उससे पापड़ मांगते हैं तो वो उनको डांट देती है और एक भी पापड़ नहीं देती। वो डिब्बों को बच्चों से छुपा कर रख देती है, पर चुड़ैल को तो सब पता होता है कि डब्बे कहाँ रखे हैं। और वो सबके सोने के बाद फिर से रसोई में आती है और सारे डब्बे निकाल कर बैठ जाती है। इसने कैसे सोच लिया कि ये डिब्बे छुप सकते हैं, वो भी मेरी नजरों से। कभी नहीं, मैं अभी आकर देखती हूँ कि आखिर ये बने कैसे हैं। बस फिर चुड़ैल कचरी और पापड़ खाना शुरू कर देती है। उसे तो वो भी इतने स्वाद लगते हैं कि थोड़ी सी देर में वो उनको भी सफा चट कर देती है और फिर से जाकर पेड़ पर सो जाती है। अब अगले दिन जब लता रसोई में जाती है तो उसे वो डिब्बे खाली रखे हुए मिलते हैं। हे भगवान, ये डिब्बे तो पापड़ और कचरी के हैं, इसमें से पापड़ और कचरी कहाँ गए? आखिर कौन यहाँ आकर सब खा रहा है? लता फिर बच्चों से पूछती है और उन्हें खूब डांटती है, पर बच्चे बार बार यही बोलते हैं कि उन्हें तो पता ही नहीं था कि कचरी और पापड़ रखे कहाँ हैं। लता अब तो बिल्कुल परेशान होकर रात को चुड़ैल रसोई में रखी चीजें खा जाती और पूरा दिन वो किशन के साथ बाहर घूमती या दुकान पर रहकर वहाँ काम करती रहती। कितनी बार लोग किशन को देखते कि किशन अपने मुंह पर रंग लगाकर क्यों बैठा है,
पर दरअसल वो चुड़ैल होती है जो उसके शरीर में दिन के वक्त कब्जा करके रखती है। उसे खाने पीने और होली का बड़ा ही शौक होता है। अब एक दिन किशन अपने भैया भाभी के घर होली देने जाता है। अब फिर से चुड़ैल उसके पीछे पीछे लग जाती है और उसके भाई के घर तक भी पहुंच जाती है। किशन जैसे ही वहां पहुंचता है तो उसकी भाभी उसके लिए खूब सारा खाने का सामान टेबल पर रख देती है। उसमें ढेर सारी खाने की चीजें और मिठाई ही मिठाई होती है। पास में गुलाल और रंग भी रखा होता है। चुड़ैल तो ये सब देखकर पागल सी हो जाती है। वो तुरंत किशन के शरीर में प्रवेश करती है और अपने मुंह पर रंग मलने लगती है। अरे तू ये क्या कर रहा है? मुझे होली खेलनी है। सारा रंग अपने मुंह पर लगाने के बाद किशन के अंदर की चुड़ैल खाना शुरू कर देती है। वो एक के बाद एक मिठाई खाना शुरू कर देती है। किशन के भैया भाभी उसे देख एकदम भौचक के रह जाते हैं। अरे भैया आप आराम से खाओ ना, जल्दी क्या है? अजीब मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, भैया कितनी अजीब आवाज में बोल रहे हैं, पहले जब आए थे तो ठीक थे। किशन सारा कुछ खाकर खत्म कर देता है और बिना कुछ बोले वहां से चल देता है। उसके भैया भाभी भी डर के मारे कुछ नहीं बोलते। ये बात हमें लता को बतानी होगी। किशन का बड़ा भाई उसके पीछे पीछे जाता है। पूरे रास्ते वो उसके ऊपर नजर रखता है। किशन रास्ते में रुककर कुछ लोगों को देखने लगता है जो होली खेल रहे होते हैं और फिर उनके साथ पागलों की तरह होली खेलने लगता है। किशन के भाई को कुछ समझ नहीं आता। वो जल्दी से उसके घर पहुंचता है और लता को सारी बात बताता है। भैया वो यहाँ भी अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं, बच्चों को खेलने नहीं देते और उनके गुब्बारे खुद मारने लगते हैं, सारा गुलाल और रंग खुद पर मलने लगते हैं। किशन पर किसी भूत चुड़ैल का वास है, हमें ऐसे कहीं दिखाना होगा जल्दी, वरना एक बार होलिका दहन हो गया तो इससे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। बस जैसे ही किशन घर आता है वो उससे पहले एक तांत्रिक को घर बुला कर रखते हैं जो घर में सारी तैयारी करके रखता है। ये सब क्या है, ये किसने किया, कौन है तू? तू बता तू कौन है और यहाँ इस घर में कैसे पहुँची, आखिर तूने इसके शरीर पर कब्जा क्यों किया? ये सुनकर चुड़ैल किशन के शरीर से बाहर आ जाती है। अब तुझे पता चल ही गया है तो तुझसे क्या छुपना। मुझे तो इस किशन ने आजाद किया तो अब तो मैं इसी के साथ रहूंगी। इसने तुझे आजाद किया? हाँ, मुझे तो कैद कर दिया उस गुड़िया में और छोड़ दिया था चौराहे पर किशन ने मुझ पर पैर रखा और मैं आजाद हो गई। मैंने कितनी बार बोला था इनको कि चौराहों से देख कर निकला करो, पर ये तो मेरी सुन। कोई नहीं, अब मैं इसका इलाज करूंगा। बता तू क्या चाहती है? मुझे तो होली खेलनी है, बस होली खेल कर मैं चली जाऊंगी। होली खेलनी है? तुझे होली से इतना प्यार क्यों है? मुझे होली बड़ी पसंद थी पर मैं बहुत गरीब थी, कभी ना होली पर पकवान देखे और ना रंग गुलाल, ऐसे ही गरीबी में बड़े हो गए और फिर एक होली पर बहुत बीमार होने की वजह से मेरी मौत हो गई। मैं फिर एक लड़की के शरीर में रहने लगी और उन्होंने भी एक गुड़िया में बंद करके चौराहे पर छोड़ दिया। फिर जब किशन ने उस गुड़िया पर पैर रखा तो मैं आजाद हो गई। पर तू ये ठीक नहीं कर रही, तू अब चली जाए इसे छोड़कर, ये तेरा घर नहीं है और ये तेरा शरीर नहीं है। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी, होली मनाऊंगी। तेरी होली खेलने की इच्छा को मैं पूरी करवाऊंगा, पर तू वादा कर कि उसके बाद तू यहाँ से चली जाएगी हमेशा के लिए। ठीक है, पर मुझे इस बार नहीं बल्कि हर बार होली खेलनी है। तू मुझे कैद नहीं करेगा, बस हर साल मैं आऊंगी, होली खेलूंगी इन लोगों के साथ। अगर तुम हमें कोई नुकसान पहुंचाए बिना हमारे साथ होली खेलोगी और बस खा पी कर चली जाओगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं, पर तुम कभी किसी के साथ बुरा नहीं करोगी? नहीं करूंगी, बस मुझे होली खेलनी है, पकवान खाने हैं। चुड़ैल की बात को लता मान जाती है और अगले दिन होली पर सब खूब होली खेलते हैं। चुड़ैल की वो पहली होली होती है। इतने सारे रंग, इतना सारा गुलाल, पिचकारी, गुब्बारे और ढेर सारे पकवान। चुड़ैल ये सब देखकर बड़ी ही खुश होती है। वो लता, किशन और बच्चों के साथ खूब होली खेलती है। ये मेरी पहली होली है, आज मैं बहुत खुश हूँ। बस तुम चुपके से मेरी गुजिया और कचरी मत खा जाना। हाँ। नहीं नहीं, मैं सबके साथ ही खाऊंगी। सब लोग हंसने लगते हैं। चुड़ैल की होली खेलने की इच्छा पूरी हो ही जाती है। फिर वो हर साल आती है और किशन, लता और बच्चों के साथ होली खेल कर चली जाती। एक बार एक बादली नाम का गांव था। उसी गांव में राजन नाम का एक खिलौने वाला रहता था। वो पूरे गांव में घूम घूम कर खिलौने बेचता रहता था। खिलौने ले लो भैया, खिलौने ले लो बच्चों, खिलौने ले लो, मेरे पास हाथी है, घोड़ा है, गधा है, किसको जो चाहिए वो सब मिलेगा,
खिलौने ले लो। एक दिन राजन उसी जंगल वाले रास्ते से अपने घर की तरफ आ रहा होता है कि अचानक उसे डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। अरे बाप रे, ये डरावनी आवाजें कहाँ से आ रही हैं? भाग ले राजन बेटा यहाँ से। रात हो जाती है, जंगल में अंधेरा छा जाता है और चुड़ैल वहाँ आ जाती है। राजन उसे देखकर बहुत डर जाता है। अरे चुड़ैल जी, मुझे छोड़ दो, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे मारकर आपको क्या मिलेगा। राजन की ये बात सुनकर चुड़ैल सोच में पड़ जाती है। कह तो ये सूखा सही रहा है, वैसे तो इसमें मांस तो है नहीं और शक्ल से चूसा हुआ आम लग रहा है। इसे मारने से अच्छा है क्यों ना इसके शरीर में घुस जाऊं और गांव में चली जाऊं, वहां तो बहुत से शिकार मिल जाएंगे। ये सोचकर चुड़ैल राजन के शरीर में प्रवेश कर जाती है। जैसे ही चुड़ैल राजन के शरीर में प्रवेश करती है, उसे बहुत दर्द होता है और वो बेहोश हो जाता है। मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है, मैं बेहोश हो रहा हूँ, कोई बचाओ मुझे। अगले दिन सुबह राजन को होश आता है और वो अपने घर की ओर चल देता है। उसकी बीवी चमेली, जो कि बहुत खड़ूस और लड़ाकी होती है, उसका इंतजार कर रही होती है। आ गए बच्चों के सुपरमैन, कहाँ थे रात भर? रात में खिलौने कहाँ बिकते हैं? किसके साथ थे? तू कुछ टॉक टाइम से ज्यादा नहीं बोलती, चुप कर नहीं तो घर से बाहर निकाल दूंगा। जब देखो पटर पटर करती रहती है, चिकची देवी है क्या? ये सुनकर चमेली काफी डर जाती है और राजन भी वहाँ से चला जाता है। आज ये चूहा शेर कैसे बन गया, वैसे तो इसके मुंह से एक शब्द भी नहीं फूटता था। अगले दिन राजन खिलौने बेचने निकलता है। खिलौने ले लो, खिलौने, खिलौने वाला आया है, खिलौने ले लो। हाथी है, घोड़ा है, बकरी है, गाय है, ले लो नौस मिटो, ले लो कोई तो। तभी राजन का दोस्त शामू बाहर निकलता है। राजन की आंखें लाल होती हैं। राजन के अंदर की चुड़ैल शामू को देखकर खुश हो जाती है। क्या तंदुरुस्त शिकार है, आज तो मजा आ जाएगा, आज फिर पार्टी हो जाएगी। अरे राजन, कई दिन बाद आए इस तरफ, मुझे एक हाथी का खिलौना दे दो, मेरा बेटा मांग रहा है। ओहो भाई, अरे मैं वो तो दुकान पर ही भूल गया, एक काम करो ना, शाम को आकर दुकान से ही ले लो, थोड़ी बातचीत भी हो जाएगी। ठीक है राजन, मैं फिर शाम को मिलता हूँ। शामू को रात में काफी देर हो जाती है, लेकिन राजन उसका अपनी दुकान पर ही इंतजार कर रहा होता है। दुकान में काफी अंधेरा होता है। अरे राजन भाई माफ करना, मुझे आने में देर हो गई, और दुकान में इतना अंधेरा क्यों कर रखा है, चलो लाइट जलाओ। ऐसा कहकर शामू दुकान की लाइट जला देता है, लेकिन उसके सामने चुड़ैल बैठी होती है और राजन बेहोश पड़ा होता है। कौन हो तुम और राजन की दुकान पर क्या कर रही हो? मैं इस सूखे अखरोट की मालकिन हूँ, तू मुझे अच्छा लगा, अब मैं तेरा मांस खाऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल शामू को मार देती है और उसका मांस खाने लगती है। मजा आ गया, ये गांव तो बहुत बढ़िया है, पहली बार में ही मोटा शिकार मिल गया। उसके बाद चुड़ैल राजन के अंदर चली जाती है और राजन अपने घर चला जाता है। अगले दिन सारे गांव वाले शामू को ढूंढने लगते हैं और थोड़ी देर बाद शामू की लाश मिलती है, जो जगह जगह से कटी फटी होती है। ये देखकर गांव वाले डर जाते हैं और बातें करने लगते। अरे भैया, ये कौन मारा इसको इतनी बुरी तरह से, इसको तो लगत है दोनों नोच नोच के खा गया है, हमका तो लगत है जैसे दोनों भूत प्रेत का काम है। लगता तो हमका भी यही है भाई, लेकिन अभी हम का कर सकत है,
गांव वालों की ये बात राजन की पत्नी चमेली सुन लेती है, लेकिन कुछ नहीं बोलती और चुपचाप अपने घर चली जाती है। उधर राजन फिर से शिकार की तलाश में गांव में खिलौने लेकर निकलता है। आया रे खिलौने वाला खेल, खिलौने लेके आया रे, आया रे, आया रे खिलौने वाला खेल, खिलौने लेके आया रे। तभी वहाँ पर चमन आ जाता है। अरे वाह, क्या बात है राजन भाई, आज तो मूड में लगत हो, खूब गाना वाना गा रहे हो, क्या बात है। पूरा पिरहुआ बने जा रहे हो। अरे सब छोड़ा, हमारा बच्चा एक तो दुल्हन का खिलौना मांग रहा था, तू दे दो हमका। लेकिन राजन फिर से वही खिलौना न होने का बहाना बनाता है और चमन को शाम को दुकान पर आने के लिए बोलता है। शाम को चमन वहाँ पहुँचता है। लाओ भाई हमारा सामान दे दो, ये हमारे बच्चे नहीं शैतान के नाना हैं, दुखी कर दिए हैं हमको। लेकिन राजन कुछ नहीं बोलता और चमन को मारकर खा जाता है। अगली सुबह गांव वाले फिर से वही बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ राजन की पत्नी चमेली आ जाती है। मुझे पता है गांव वालों ये किसने किया है, लेकिन लेकिन आप सब लोगों को मेरी पूरी बात सुननी होगी। हो हो, बोलो चमेली। ये सब मेरे पति के अंदर बैठी हुई चुड़ैल का किया धरा है। एक दिन मैं जब रात को सो रही थी तब मैंने देखा कि मेरे पति किसी चुड़ैल से जाने की बात कर रहे हैं। वहीं मुझे पता चला कि इनके अंदर चुड़ैल का वास है। गांव वालों मेरी मदद करो, मेरे पति को बचा लो। ये कैसे हो सकता है? मैं सही कह रही हूँ रमन भाई, मेरी बात का विश्वास करो और मेरे पति को बचा लो। वो रोज रात को शिकार की तलाश में दुकान पर बैठे रहते हैं। कोई बात नहीं चमेली भाभी, आप डरो मत, मैं आपके पति को बचा कर लाऊंगा। फिर मेरे इन दोनों दोस्तों का बदला भी तो लेना है। ऐसा कहकर रमन वहाँ से चला जाता है, लेकिन गांव वालों की भीड़ में ही एक दूसरा गांव वाला छुट्टन सोच में पड़ जाता है। ये उत्साही जोश जोश में ज्यादा ही बोल गया। अबे चुड़ैल है वो, गली का गुंडा नहीं जो पीट कर बदला ले लेगा। मुझे भी कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये एक और निपट जाएगा जोश जोश में। उधर रात में रमन राजन की दुकान में पहुंचता है। चुड़ैल, मैं तेरी सारी असलियत जान गया हूँ, हिम्मत है तो मेरे दोस्त के शरीर से बाहर निकल कर मुकाबला कर, तुझे यहीं पटक दूंगा। रमन की चुनौती सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो राजन के शरीर से बाहर आ जाती है। तुम मेरा मुकाबला करोगे? ऐसा कहकर चुड़ैल रमन को पैरों से उल्टा उठा देती है। अरे मर गया रे, ये बहादुरी तो महंगी पड़ गई, कोई बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ, आई मम्मी बचा लो। तुझे यहाँ कोई नहीं बचाएगा, तू ही तो मुकाबला करने आया था, अब लड़ मुझसे। तब तक वहाँ छुट्टन आ जाता है, उसके साथ एक तांत्रिक भी होता है। ए चुड़ैलवा, छोड़ दे हमारा दोस्त को, नहीं तो हम तुम्हारी वो हालत करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगी कि भागे या रुके यहीं पर। लगता है इस रमन से पहले तेरी ही मौत लिखी है। ऐसा कहकर चुड़ैल छुट्टन की तरफ भागती है, लेकिन तांत्रिक उसे मंत्रों की ताकत से एक लोहे की चेन में बांध देता है। बहुत निर्दोषों का खून बहाया है तुमने, अब तुम्हारी बारी है। उसके बाद वो तीनों उस चुड़ैल को एक भारी पत्थर से बांधकर एक नदी के अंदर फेंक देते हैं। चुड़ैल की नदी में जाते ही राजन को होश आ जाता है। वाह वाह, मैं ठीक हो गया।